बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, विद द फिजिक्स ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 16, टुडे अवर लेक्चर नंबर 10। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट नॉट ऑपरेशन, और उससे पहले वाले लेक्चर्स में वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट आर ऑपरेशन एज वेल एज एंड ऑपरेशन। टुडे वी विल डिस्कस two combinations of AND operation and OR operation with NOT operation। बहुत simple topic है, discuss हमने ये करना है कि अगर हम AND operation को NOT operation के साथ combine करें तो output क्या मिलता है। Secondly, अगर हम OR operation को NOT operation से combine करें तो output क्या मिलता है। Very simple, very easy topic, लेकिन board के paper में स्पेसिफिकली अगर हम प्रैक्टिकल पेपर की बात करें तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे दो टेबल्स बनाने हैं हमने, सिंपल सर्किट डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे गेट्स के सिंबल्स बनेंगे और आपको 12 मार्क्स मिलेंगे इसके बदले में। बहुत आसान चैप्टर है ये, लेकिन बोर्ड में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर आपको 12 नंबर कंप्लीट मुकम्मल पूरे 12 नंबर दिलवा सकता है। थोड़ी सी मेहनत के बाद आप 12 नंबर आसानी से ले सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं। पहला जो हमने गेट डिस्कस करना है, इट इज नैंड गेट। जिस तरह कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने कॉम्बिनेशंस डिस्कस करने हैं, तो नैंड गेट किन दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर इसके नाम पे जाएं नैंड, तो यहां पर नैंड में जो स्टार्ट पे एन है इट रेफर्स द नॉट गेट और उसके बाद एंड, तो एंड जो है वो कंप्लीट एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो एक सिंपल कंप्लेक्स सा सर्किट आएगा, एक गेट बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, उसे नैंड गेट कहा जाएगा। अगर इसको हम थॉरली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो ये क्या होता है, बेसिकली इट इज एन एंड गेट फॉलोइंग बाय अ नॉट गेट। तो एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन। पहले दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे एंड ऑपरेशन होगा और उस एंड ऑपरेशन का जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसके ऊपर, उस रिजल्ट के ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यूज को इनवर्स कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो गेट या सर्किट मिलेगा वो नैंड गेट कहलाएगा। चूंकि ये दो गेट्स का कंबिनेशन है तो इट इज अ कपलिंग, ये कपलिंग है, ये कपल है एक, इट इज द कपलिंग ऑफ नॉट गेट, ये नॉट गेट की कपलिंग है। किसके साथ है, विद द आउटपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट का जो आउटपुट होगा उस आउटपुट वैल्यू के ऊपर हमने नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर देना है सिंपली, तो आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो नैंड गेट होगा। अगर आप डायग्राम ए में देखते हैं, सिंबल्स हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे, गेट्स भी डिस्कस किए थे, उनके सिंबल्स भी, डायग्राम भी बनाई थी हमने। अगर आप डायग्राम ए में देखें तो हमने स्टार्ट में एंड गेट की डायग्राम बनाई है। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हमने दो वेरिएबल्स के साथ ही पढ़ा है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मुमकिन है, जरूरी नहीं है कि हमने कोई भी एंड ऑपरेशन सिर्फ दो वेरिएबल्स पे अप्लाई करना है, हम तीन पे, चार पे, अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली एक एंड गेट, इसमें दो वेरिएबल्स थे ए और बी, उसका आउटपुट है ए एंड बी, जिसको हम डॉट कहते हैं। ये डॉट जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद देखें उस आउटपुट के ऊपर हमने नॉट ऑपरेशन को अप्लाई किया, तो आपका आउटपुट आएगा एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी बार, यानी कि नॉट जिसे पढ़ते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले आपने एंड गेट का सिंबल जो डायग्राम है उसका वो बनाया, उसके आउटपुट के ऊपर आपने नॉट का सिंबल यानी कि डायग्राम वो बनाया, और दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके पास जो गेट बना है इट इज नैंड गेट। अगर आप डायग्राम बी में देखते हैं
तो ये कंप्लीट एक्यूरेट डायग्राम है। ये कंबिनेशन की फॉर्म में बताया आपको कि पहले एंड और उसके बाद नॉट, इस तरह के यहां हमने लिखा एंड ऑपरेशन पहले होगा, उसके आउटपुट के ऊपर नॉट ऑपरेशन होगा। तो डायग्राम ए में आपको यही चीज बताई गई है कि पहले दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे एक एंड ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, उनका जो भी आउटपुट आएगा उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाएगा। और जबकि डायग्राम बी में देखें तो आपको बजाहत डायग्राम बी में ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो ए और बी दो वेरिएबल्स थे जिनके ऊपर एंड ऑपरेशन अप्लाई किया। अगर आपको अपना प्रीवियस टॉपिक याद है, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था नॉट ऑपरेशन को इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखें एड ऑपरेशन के फौरी बाद ये डॉट हमने बनाया यहां पे, ये किसको रेफर करते हैं नॉट को, ये जो डॉट हमने यहां बनाया है बेटा ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने एड ऑपरेशन के ऊपर फौरी बाद उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपको आउटपुट मिलेगा, एड का आउटपुट अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो देखें एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी लेकिन ऊपर बार है, बार का मतलब है नॉट, यानी कि ए डॉट बी का जो आउटपुट था उसका इनवर्स कर देना, अगर वो वन था तो जीरो कर देना और अगर वो जीरो था तो वन कर देना। मजीद डिस्क्रिप्शन में आ जाए, इट इनवर्ट्स द आउटपुट ऑफ एंड गेट, नैंड गेट क्या करता है ये एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है, इनवर्स कर देता है। जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वो आउटपुट जीरो था इट विल कन्वर्ट इनटू वन, इसको वन में कन्वर्ट करेगा, और अगर वो वन था तो ये उसको जीरो में कन्वर्ट करेगा। इट्स आउटपुट इज ए एंड बी बार, बार मीन नॉट पढ़ेंगे इसे, रिटन एज, और इसको लिखते कैसे हैं एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी और उसके ऊपर बार, और इसको रीड किस तरह करना है, रीड करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट, क्योंकि ये जो बार हमने बनाया ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको मुकम्मल इस इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स इज इक्वल टू ए, ये जो डॉट है इसको डॉट नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है नॉट एंड पढ़ेंगे इसको, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल था बी तो ए एंड बी, इसके ऊपर आपने ये लाइन लगाई, तो अब आप इसको पढ़ोगे एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट पढ़ेंगे, क्लियर हो गया बेटा। तो हम इसको ट्रुथ टेबल पे आ जाए, ट्रुथ टेबल के लिए जरूरी ये है कि आपको पहले से एंड गेट का ट्रुथ टेबल जबानी याद होना चाहिए, दो वेरिएबल्स के लिए एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या था, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ट्रुथ टेबल में तीन कॉलम्स हैं, ए कॉलम बी कॉलम दो वेरिएबल्स के लिए और लास्ट पे तीसरा कॉलम उसके ऊपर जो नैंड अप्लाई किया उसके लिए, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया दरमियान में तीसरा कॉलम बना दिया कि वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा इशू आता है इन टेबल्स को याद करने में, हालांकि मुश्किल नहीं है, तो पहले वो ए और बी पे एंड ऑपरेशन अप्लाई कर लें और सिंपली उस एंड ऑपरेशन के आउटपुट को इनवर्स करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली नैंड ऑपरेशन का आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखें ए और बी, जब ए और बी जीरो थे, अगर आपको याद है एंड ऑपरेशन में आपका आउटपुट वन सिर्फ उस वक्त आया था जब दोनों वेरिएबल्स वन थे, जब दोनों में से कोई एक भी जीरो था तो आउटपुट जीरो था, तो देखें जीरो जीरो दोनों जीरो है तो एंड का आउटपुट क्या होगा जीरो, जबकि नॉट अप्लाई करेंगे तो जीरो के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वन, तो ये नैंड का आउटपुट मिला आपको। सिमिलरली सेकंड पॉसिबिलिटी पे अगर आप देखो जीरो वन, तो जीरो वन सिंपल एंड ऑपरेशन एक किस्म का बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने जैसा ही होता है, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो, वन मल्टीप्लाई वन वन। तो यहां पर देखें जब आप जीरो को वन से मल्टीप्लाई करवाते हो तो जीरो, तो जब आप उस पर नॉट अप्लाई करोगे तो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी देखें वन और जीरो, ठीक है, तो वन डॉट जीरो जीरो होता है
और इसका आउटपुट क्या होगा, 1 फाइनल आउटपुट जिसको इनवर्स किया गया। लास्ट पॉसिबिलिटी देखें, दोनों 1 है, आपको एंड के मुताबिक आउटपुट 1 मिलता है, लेकिन नॉट के मुताबिक क्या हुआ, उसने 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली ये तीसरा कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, बना देंगे तो गलत भी नहीं है। तो कम से कम आपको ये 4 कॉलम के साथ या एटलीस्ट 3 कॉलम्स के साथ जो जरूरी है, ए बी और ये लास्ट वाला कॉलम जरूरी है। दरमियान में अगर आप एंड पहले अप्लाई करते हो और नॉट बाद में अप्लाई करते हो तो इश्यू नहीं, इस पे भी गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा नैंड गेट कंप्लीट हुआ। वेरी सिमिलर नॉर गेट है, जिस तरह से हमने नैंड गेट डिस्कस किया है बिल्कुल उसी असूल के मुताबिक नॉर गेट भी बनाया जाता है। इसमें भी सिंपली पहले एक और ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर, उनका जो भी आउटपुट मिलेगा फौरन उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा। तो यहां देख लें, आर ऑपरेशन फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन, के पहले आर ऑपरेशन है और उसके पीछे पीछे उसके फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन है। इट इज द कपलिंग ऑफ, ये भी कपलिंग है क्योंकि दो चीजों को कंबाइन किया जा रहा है तो ये कपलिंग है। इट इज द कपलिंग ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट को अटैच किया जाएगा, कपल किया जाएगा किसके साथ, आर गेट के आउटपुट के साथ। तो इट इज द कपलिंग ऑफ नॉट गेट विद द आउटपुट ऑफ आर गेट, जो आर गेट का आउटपुट मिलेगा उसके ऊपर नॉट। तो यहां पे मैंने देखे, अगर आप ट्रुथ टेबल देख रहे हैं तो पहले मैंने ए और बी के ऊपर सिंपली आर ऑपरेशन अप्लाई किया, उस आर ऑपरेशन के ऊपर फर्दर मैंने नॉट अप्लाई किया, जो आर ऑपरेशन का आउटपुट था उसके ऊपर नॉट अप्लाई किया, यही हमें यहां पर यह चीज मेंशन की गई है। अगर इसके सिंबल्स को देख लें, डायग्राम को, तो स्टार्ट में क्या है, यह आपको नजर आ रहा है एक आर गेट, ए और बी दो वेरिएबल्स, आर का सिंबल है, ठीक है, और आर के सिंबल में ए और बी के दरमियान प्लस का जो साइन होता है वो आर को रिप्रेजेंट करता है, प्लस का साइन आर को रिप्रेजेंट करता है। तो उस आउटपुट के ऊपर आगे आपने नॉट अप्लाई किया, ये आपको डायग्राम में नॉट नजर आ रहा है, तो ए प्लस बी यानी कि ए आर बी उसके ऊपर बार आपने बनाया, यानी कि उसको नॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको रीड किस तरह करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए आर बी नॉट, जो मेन सिंबल है फाइनल सिंबल है वो ये है, ठीक है। ये सिंबल बताने का मकसद आपको ये है कि कपलिंग शो की है कि एक स्टार्ट में आर ऑपरेशन था उसका गेट है, देन नॉट ऑपरेशन उसका गेट है, दोनों को जोड़ दिया गया, कंबाइन कर दिया गया और फाइनल ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें देखें ए बी दो वेरिएबल्स थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपके पास एक सिंगल लाइन ही होगी, उसके ऊपर आपने ये देखेंगे नॉट अप्लाई किया होगा ये, तो आपका आउटपुट आपके सामने है एक्स इज इक्वल टू ए आर बी नॉट। ये क्या करता है, ठीक है, नॉर ऑपरेशन या नॉर गेट करता क्या है, ये सिंपली आर ऑपरेशन की वैल्यूज को जो आउटपुट मिलती हैं उनको इनवर्स कर देता है, इट इनवर्ट्स द आउटपुट्स ऑफ आर गेट, आर गेट के जो आउटपुट्स होते हैं ये उनको इनवर्ट्स कर देता है। अगर वो आउटपुट 0 है तो ये उसको 1 में कन्वर्ट करेगा, और अगर 1 है तो 0 में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको टॉपिक याद है तो हमने 2 वेरिएबल्स के लिए जो ट्रुथ टेबल बनाया था तो 3 दफा हमारे पास आउटपुट 1 आया था, क्यों आया था, उसमें आपने कंक्लूजन ये निकाला था कि आर ऑपरेशन के वक्त 2 वेरिएबल्स हमने इस्तेमाल किए थे, दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। तो वहां पर अगर आपको ट्रुथ टेबल याद है तो आपके पास 3 दफा 1 आउटपुट आया था और 1 दफा 0 आया था। तो यहां पर अगर आप उस आउटपुट के ऊपर देख लें, यहां पर ट्रुथ टेबल में देखें 3 दफा 1 है और 1 दफा 0 है, इस आउटपुट के ऊपर नॉट अप्लाई करें तो जो 0 था वो 1 में कन्वर्ट हो गया और वो जो तीनों 1 थे वो 0 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सिंबल आपको ऑलरेडी बता दिया और फाइनल ट्रुथ टेबल, पहली पॉसिबिलिटी 0.0, ठीक है, ऑपरेशन एंड हो या आर हो, जब दोनों 0 है तो आउटपुट 0 मिलता है। एंड में देख लें, स्टार्ट में दोनों 0 थे, आउटपुट 0 मिला, इनवर्स होने के बाद 1 हो गया, यहां पर भी दोनों 0 थे, आउटपुट 0 मिला, इनवर्स होने के बाद 1 हो गया।
लेकिन आगे इसका क्राइटेरिया और इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। ये सिंपल मल्टीप्लाई करने जैसा था और ये सिंपली बाइनरी नंबर्स को ऐड करने जैसा, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, लेकिन बाइनरी नंबर्स में 1 + 1 = 2 नहीं होता, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 के अलावा डिजिट होते ही कोई नहीं। बाइनरी नंबर्स में बेटा 1 + 1 का मतलब 2 नहीं होगा, बाइनरी नंबर्स में 1 + 1 को 2 नहीं कंसीडर किया जाएगा, 1 ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर के प्योरली कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के साथ हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए मैं सिंपली ये कह देता हूं कि बाइनरी नंबर्स में 1 + 1 = 2 नहीं होगा, इसको आप सिंपली 1 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। चूंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, चूंकि आप लोगों ने बेसिक कंप्यूटर के वो चैप्टर जो से वो नहीं पढ़े हुए। चले महाराज जी, तो 0 0 0 था, आउटपुट 1 होगा, 0 आर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, 1 के साथ 1 आया आपके पास आर अप्लाई करने के बाद, तो आउटपुट जब आपने डॉट अप्लाई किया 0 हो गया, तो 1 आर 0 किया आपने, आपको आउटपुट मिला 1, इस पे नॉट अप्लाई किया 0, 1 आर 1 दोनों को आर ऑपरेशन अप्लाई किया आपने 1, आपको आउटपुट मिलेगा और फाइनल आपको आउटपुट इनवर्स करने के बाद मिलेगा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के 2 सिंपल कॉम्प्लेक्स गेट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया है नैंड और नॉर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपली अच्छे तरीके से एज इट इज जिस तरह आपकी टेक्स्ट बुक पे ये रिटन है कंप्लीट आपने हर चीज याद करनी है, और बिलखसूस आपने बेटा ये डायग्राम्स और ये ट्रुथ टेबल्स लाजमी याद करने हैं, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 12 नंबर बहुत आसानी हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।